अब मैं आपको सुनाती हूँ शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी आदर्शवादी घटना जिसमें वे बोलते नहीं थे बल्कि उन आदर्शों को जिया करते थे। शास्त्री जी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और वे यह मानते थे कि हमें जीवन के किसी भी दौर में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्री जी के अनुसार सच का रास्ता लंबा हो सकता है परंतु उससे मिलने वाला फल हमें जीवन भर आनंद देता रहता है। एक बार की घटना है जब शास्त्री जी को मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन का मंत्री बनाया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी ने रेलवे की कार्यशैली में काफी कुछ बदलाव लाया और उसमें भी सफल भी हुए। लेकिन एक घटना जिसने उन्हें आदर्श को जीने में मजबूर किया वो था 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में हुई रेल दुर्घटना जिसमें 144 लोग मारे गए। इसके जस्ट 3 महीने पहले ही महबूब नगर जो कि अब हैदराबाद में है वहां पर 112 लोगों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब महबूब नगर की रेल दुर्घटना हुई तब शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा परंतु शास्त्री जी के कार्यशैली से नेहरू जी प्रभावित थे तो उन्होंने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया और फिर 3 महीने के बाद तमिलनाडु में वो रेल दुर्घटना हुई जिसमें 144 यात्रियों की मृत्यु हो गई तो फिर शास्त्री जी माने नहीं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी मुझे लेना ही, जबकि हम देखें कि इसमें शास्त्री जी सीधे तौर पर शास्त्री जी की कोई गलती नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने सर पर सारी जिम्मेदारी को लेते हुए नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है प्राप्त हुआ था। शास्त्री जी सादगी निस्वार्थता शालीनता त्याग उदारता दृढ़ निश्चय जैसे आदर्शवादी शब्दों की एक ही व्यक्ति में व्यवहारिक परिणति का सर्वोत्तम उदाहरण बन गए हम भारतवासियों के लिए। उन्हें शत शत नमन।